अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा किसान गरीब मजदूर एकता समिति और महात्मा ज्योतिराव फूले विकास समिति के संयुक्त नेतृत्व में 6 दिवसीय जन जागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान किसानों की मांग है कि 11 सूत्री मांगों को लेकर हम सब लोगों ने यह अभियान चलाया है, जिसमें बिजली बिल, फीस माफ़ी और निजीकरण का विरोध जताया है। जन समस्या जन जागरण अभियान के अंतर्गत निकाली जा रही 6 दिवसीय यात्रा का आज 5वां दिन बावन तहसील में हमने 11 सूत्रीय ज्ञापन निजीकरण के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, अत्याचार, लूट, अपहरण के विरोध में और 5 माह की स्कूल की फीस और 5 माह का बिजली का बिल माफ़ कराने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए आज हमने 11 सूत्रीय ज्ञापन मावन तहसील, जो मथुरा जनपद की एक तहसील है, उनके तहसीलदार सुभाष चंद जी को सौंपा है 11 सूत्रीय ज्ञापन। और इस अवसर पर तहसीलदार सुभाष चंद जी ने हमें आश्वस्त कराया है कि आपकी मांगें उचित माध्यम से राज्यपाल महोदया को पहुंचा दी जाएगी। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, साथियों, आज प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गई है, लूट, हत्याएं, अपहरण। एक तरीके से योगी सरकार हत्यारी सरकार है, मजदूरों की हत्यारी सरकार है, कर्मचारियों की हत्यारी सरकार है, पत्रकारों की हत्यारी सरकार है, किसानों की हत्यारी सरकार है। इस तरीके से हत्या की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है। सरकार किसी भी कर्मचारी, पत्रकार और हमारे किसान, मजदूर, गरीब लोगों का शोषण कर रही है। आप दिन दहाड़े देख रहे हैं, पुलिस की हत्याएं हो रही हैं। मैं आपके कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं कि आज जो योगी सरकार है वो हमारे यहाँ सिर्फ मजदूरों की, गरीबों की, पत्रकारों की, सिपाहियों की, कर्मचारियों की हत्यारी सरकार है। ऐसी हत्यारी सरकार को महामहिम से हम निवेदन करते हैं कि तत्काल हटा करके एक मानवीय, संवेदना युक्त सरकार का निर्माण हो, जिसके अंदर मानवता हो, जो मानव सबसे प्रेम करती हो, जो संविधान के प्रति निष्ठा रखती हो। ऐसी सरकार जो गैर जिम्मेदार व्यवहार रख रही है, ऐसी सरकार को कदापि एक दिन भी सरकार में रहना ठीक नहीं है, जनहित में नहीं है। मैं ऐसी सरकार की निंदा करता हूं और 11 सूत्रीय मांग अगर हमारी नहीं मांगी गई तो हमारा ये आंदोलन और आगे तक चलेगा। अभी जनपद स्तर पर हमने 5 तहसीलों में ये कार्यक्रम जारी है, आज 4th दिन है। उसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मांगी मानी गई तो हम प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम को करेंगे।